गाइज आज किस वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं डीजे आलोक, जो कि फ्री फायर का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सबसे बेस्ट करेक्टर है। बिल्कुल फ्री के अंदर हम लोग उसको लेने वाले हैं लिंक के ज़रिए। आप लोगों को भी पता होगा कि फ्री फायर के अंदर एक न्यू ऑप्शन आया लिंक का। अगर आप किसी भी करेक्टर को लिंक कर देते हो तो अगर आप हर हफ्ते पूरा हफ्ता गेम खेलते हो तो एक हफ्ते के अंदर आपके पास वो करेक्टर 7 दिन के अंदर अनलॉक हो जाता है। तो यहाँ पर गाइज ये देख सकते हैं 99% हो चुका है डीजे आलोक, और जैसे ये 100% होगा मेरे पास जो है वो ये अनलॉक हो जाएगा। और इसकी एबिलिटी का भी आप लोगों को पता होगा, ये इसकी एबिलिटी एक एक्टिव एबिलिटी है, यानी कि जिसको हम गेम के अंदर जो है ना वो प्रेस करके यूज़ कर सकते हैं, एक्टिव करके यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वुकोंग हो गया या इस तरीके के जितने भी करेक्टर्स हैं। तो ये रहा भाई डीजे आलोक करेक्टर। बाकी आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आप लोगों का सबसे ज़्यादा फेवरेट करेक्टर कौन सा है एक्टिव एबिलिटी हो जिसकी। जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, डीजे आलोक हो गया, वुकोंग हो गया, और क्रोनो करेक्टर हो गया जिसको आप रोनाल्डो के नाम से जानते हैं, तो आप लोग, और ये स्केलर भी हो गया, सॉरी ये न्यू करेक्टर स्केलर, इसकी भी एक्टिव एबिलिटी है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है इन चारों में से आप लोगों का फेवरेट करेक्टर कौन सा है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे नंबर 1 पर भाई डीजे आलोक पसंद है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो मुझे वुकोंग करेक्टर सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है इन सभी में से। तो हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि स्केलर या फिर क्रोनो मतलब ख़राब है, नहीं, वो आपकी चॉइस हो सकती है। तो यहाँ पर गाइज मैं जो है कोशिश करता हूँ कि डीजे आलोक को मैक्स भी कर लूँ और इसको पूरे तरीके से मैं अनलॉक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर से जो है हम इसका लेवल अप कर लेते हैं, ये लेवल भी अप हो जाएगा ईज़िली। चलें, ये हमारा जो करेक्टर है लेवल 4 तक जा चुका है और हमारे पास अभी फॉर्गमेंट्स भी नहीं बचे बिल्कुल भी। तो यहाँ पर इसके जो स्लोट्स हैं वो भी मैं अनलॉक कर लेता हूँ। ओके, वैसे तो मैं ये मेल करेक्टर से बहुत ही कम खेलता हूँ, लेकिन अगर डीजे आलोक है तो भाई फिर सोचना पड़ेगा कि खेलना है या नहीं खेलना। पहले तो मैं हमेशा ही वो केली के साथ खेला करता था। तो यहाँ पर गाइज मैं जो इसके अंदर कुछ एबिलिटीज़ ऐड कर देता हूँ, जैसे कि मैं दूसरे नंबर पर एबिलिटी ऐड करूँगा ये इसकी जोसेफ की, और केली की भी मैंने ऐड कर दी। और यहाँ पर मैं कोई भी मतलब जो है ना वो रख सकता हूँ। फ़िलहाल मैं एक काम करता हूँ कि मैं ये जो न्यू करेक्टर है इसकी एबिलिटी डाल देता हूँ, या फिर कला की एबिलिटी डाल, नहीं बस ये न्यू करेक्टर ही बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल से। तो गाइज जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने बिल्कुल फ्री करेक्टर यहाँ पर से ओपन कर लिया। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ, स्केलर करेक्टर भी मेरा जो है अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 80 से प्लस हो चुका है, मतलब 80% से भी ज़्यादा हो चुका है, यानी कि कल तक भाई स्केलर करेक्टर भी अनलॉक हो जाएगा। फ्री फायर के सबसे बेस्ट 2 करेक्टर भाई बिल्कुल फ्री के अंदर हम लोगों ने अनलॉक कर लिए हैं। और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ये भी बता रहे हैं कि मैं नेक्स्ट करेक्टर किसको लिंक करूं और किस करेक्टर को मैं फ्री में लूं। मैं एक तो भाई वो है एंटोनियो है, और एक ये क्रोनो करेक्टर, इन दोनों में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मैं अभी किस करेक्टर को लिंक करूँ। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। बाकी हाँ, आज की इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।